ये देखिए ऑन नहीं हो रहा, और चार्ज पे हम लगा रहे हैं तो ये देखिए चार्जिंग भी कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ठीक हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखिए मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है और ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं देखिए दिखा देता हूँ आप लोग। ये देखिए ऑन नहीं हो रहा और चार्ज पे हम लगा रहे हैं तो ये देखिए चार्जिंग भी कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या हुआ इसमें। चार्ज भी नहीं हो रहा, ऑन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लाइट वाइट कुछ नहीं आ रहा इसमें। तो डेड कंडीशन में अगर ब्लूटूथ आता है तो आप उसको कैसे रिपेयर करिएगा आज इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसको हम खोलते हैं। तो ये ऊपर का पैनल खुल गया और इसमें देखते हैं। तो पेच मैंने सारा खोल दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने उतार दिया है। तो डेड कंडीशन में सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, आपको क्या करना है, फोन हो चाहे ब्लूटूथ स्पीकर हो कुछ भी हो, आपको जो है बैटरी को चेक करना है कि बैटरी जो है मेरा चार्ज है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ हम यही चेक करेंगे। तो ये देखिए बैटरी का वायर को मैंने खोल दिया है, और बैटरी के वायर को खोलने के बाद जो है हम यहाँ पे मीटर को 20 पे सेट करके बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी में मेरा क्या रीडिंग आ रहा है। तो ये देखिए बैटरी मेरा 4.1 बता रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी मेरा चार्ज है। ठीक है, तो हम बैटरी को लगा के दोबारा से ऑन करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ऑन करके देखते हैं तो ये देखिए अभी भी ये ऑन नहीं हो रहा। और तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो सप्लाई है, ये बैटरी का जो पॉइंट है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फोन मेरा शॉर्टिंग, ये सॉरी बोर्ड मेरा शॉर्ट तो नहीं है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मीटर को आप बजर रेंज पे रख करके इस तरह से हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव मेरा इसमें क्या बता रहा है। तो ये बीप कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे रीडिंग ही नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है दोस्तों, देखिए ये ये जो ग्राउंड है यहाँ तक रीडिंग आ रहा, पॉजिटिव प्लम में सप्लाई आना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका सप्लाई ही चेक करना होगा कहीं से मुझे कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, चार्जिंग लगाने के बाद भी जो है ये इस तरह से देखिए हल्का हल्का लाइट इसमें दिख रहा है। तो देखिए हल्का हल्का जो है लाइट दिख रहा है, देख लीजिए हल्का हल्का
लाइट दिख रहा है, कोई कंपोनेंट मेरा गर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे जो है ये जला हुआ, ठीक है। देखिए पॉजिटिव का पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो है ये जो वायर गया है ये जल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे कि जो है यहाँ पे देखिए सप्लाई मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 550 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक है ये सप्लाई नहीं जा रहा, ये जो वायर है ये जल गया। मैं आप लोग सामने से दिखा देता हूँ, देखिए ये वायर जल गया है, यहाँ पे देखिए सप्लाई इसका 450 के करीब आ रहा है, 500 के करीब, और यहाँ पे सप्लाई प्लस में नहीं आ रहा है। इस वजह से ये बैटरी के बैटरी कनेक्टर तक सप्लाई ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से ये ऑन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ एक जम्पर लगा के देखेंगे कि मेरा जो काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक जम्पर लगाते हैं, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जम्पर लगा दिया, यहाँ से यहाँ जम्पर लगा दिया। अब यहाँ पे चेक करना है मुझे कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अभी देखिए 450 रीडिंग आ रहा है, और उस समय देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा था। तो अब हम बैटरी को लगा कर देखते हैं कि जो है मेरा ये ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा। तब देखिए दोस्तों ये देख लीजिए कि ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो गया है। तो यही सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको समझना है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ब्लूटूथ स्पीकर चालू हो गया। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे जो है ये मैंने जम्पर लगाया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए ये जम्पर जो जहाँ पर जल गया था यहाँ से उठा के मैंने पॉजिटिव पर लगा दिया, तो मेरा काम बन गया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।